हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुधीर सैनी व्लॉग्स। चलिए जी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई साहब, वो देख लो सामने वो लोग जाने लग रहे हैं। उन्होंने अपना थोड़ा सा वो लेना था, क्या बोलते हैं, स्टील के बर्तन वगैरह, तो वो लेने के लिए जा रहे हैं। उनके रिलेटिव भी रहते हैं हमारे दुर्गा गार्डन में, कल के व्लॉग में जिनके बारे में बता रहा था। तो ये तो चले गए उधर, और ब्रेकफास्ट भाई अभी तक कुछ बना नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ मार्केट चलूँ। चलते हैं मार्केट में, देखते हैं। और साइकिल भी जाना पड़ेगा आज भी, क्योंकि आर्यन बाइक पे गया। आज फिर से गाइस हम चल दिए हैं साइकिल पे ही मार्केट में। थोड़ा सा सामान वगैरह तो क्या ही, बस खाने के लिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है। देखो मेरी ब्रेक ही खत्म है। अपने पैरों के लिए आरामदायक सही ले लिया गाइस मैंने यहाँ से, तो बस चलते हैं हम वापस। बस यही खा लेंगे यार, जो रसो रसो काम चल रहा है। हाँ भाई चलो खड़ते हैं आप साइकिल अंदर। पहुँच चुके हैं भाइयों घर पे, और जी क्या कर रहे हो? तो फोन और ये हमारा सब्सक्राइबर है। हाँ जी भाई, भाई ये देखो, ला खाज दबा अपनी, ला ला दबा खाज, ये देखो गुस्से में। हाँ भाई बो, ला दबा ले, तै भी आ जाएगा इसमें। रख दे, रख बंद कर दे। तो भाई भाई फिलहाल क्या बोलते हैं, ये लोग खाना खा रहे हैं। हम तो वहाँ पे गए थे भाई मार्केट में, आपको पता ही है, पापड़ का पैकेट लेके आए थे, उसको खा लिया। 12 बजे नाश्ता हो रहा है। अरे वो पता नहीं कहाँ पे चले गए, वो लेके आए अभी, देखा होगा आपने, वो भाई आया था टप्सी लेने के लिए, बस तो वही लेने के लिए आए थे, लेने के लिए चले गए थे। मौसी बना रही है इधर, मौसी ये लोग बैठ के खा रहे हैं। सो गाइस भाई खाना बना दिया मौसी ने, और टाइम पता क्या आज के खाने का, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। नाश्ता भी उन्होंने लेट किया, वो खाना भी लेट। कितने बजे ही खाओ भाई तुम अपने घर भी, कितने बजे जल्दी खा लो, कितने बजे? अरे लोग मेरे पे टप लेगा, दाल टप लेगा, यही टाइम हो जाएगा। अच्छा तो हम थोड़ी खाओ, बाकी भाई भाई अपनी बुक्स भी लेके आए हैं, तो को पढ़ाई वगैरह भी कर रहे हैं। सो आप एक मैसेज दो बच्चों को जो पढ़ रहे हैं ना, उन्हें अच्छा सा मैसेज दो, क्या बोलना चाहोगे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें? अरे तो काम ही नहीं शुरू कर रहा, छुट्टियां हैं। नहीं ये कैमरे के सामने पहली बार आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ पता नहीं कि क्या बोलना है। सो गाइस भाई मैंने खाना खा लिया है, मौसी ने चावल बनाए थे, इन्होंने अपने स्टाइल से बनाए थे, काफ़ी अच्छे थे, आपने देखे होंगे, मतलब बिरयानी की तरह लग रहे थे। अरले के वेज बिरयानी की तरह है, वेज बिरयानी की तरह, मतलब खिले खिले बनाए इन्होंने, काफ़ी अच्छे थे। तो बस मैंने खा लिया, और ये क्या बोलते हैं अभी खाने लग रहे हैं आर्यन, और ये चाय पी रहे हैं हम। यार आप लोगों को ये भी कहोगे कि ना, तो खाना खाना ही क्यों दिखाता तो अपने लोग में भाई, जो चीज़ इंटरेस्टेड है वही तो दिखाऊंगा। हाँ बोल लो। आए मेरा कालू, अगर आपको कोई दावत पे ना बुलाए मेरा भाई, तो टेंशन मत लेना मेरी जान, अपने ही घर पे दाल चावल बना के खा मेरी जान। तो भाई देख लो क्या है, मंगाया है बाजार से यार, 30 रुपए में, बताओ 30 रुपए में भाई, 30 रुपए, 30 रुपए में कितने आलू आते हैं सारे। चलो तो बस अपनी चाय पीते हैं। सो गाइस हम आए हैं थोड़ा सा पुदीना लेने के लिए। अंकल जी क्यों दे दो थोड़ा सा चटनी के लिए। काट दो थोड़ा सा, काट दो पुदीना, चक्कू नहीं है ने पुदीना, बस पुदीना लेके घर पे जा रहे हैं, घर पे चल के दिखाते हैं आपको चटनी बना। तो गाइस भाई हम चल दिए, हमें थोड़ी दूर ही जाना है,
ओह भाई साहब बहुत मजा आने वाला है। एक तो क्योंकि ना क्या बोलते हैं ना उसको, थोड़ा मौसम भी बहुत अच्छा सा हो रहा है और शाम का टाइम भी है, कुछ खा खुल भी लेंगे तो देखते हैं और क्या होएगा। बाकी एक नंबर का वो हो रहा है यार। आप भी एक बात बोल लो, क्योंकि यार बाहर जाते हो तो भी खाना, घर रहते हो तो भी खाना। और देखो भुट्टा, भुट्टे वाले की दुकान लग रही है गली में, तो आवा भी नहीं है भाई गाड़ी में, पहले आवा ही करवा लेते हैं। स्कूल में पढ़ता था, डी अग्रवाल स्कूल है इसका नाम, डीडी अग्रवाल पर। लेकिन फिर अब मैं पढ़ने लगा था सरस्वती में, अब तो यार फाइनली ख़त्म ही हो गया स्टडी। तो बस भाई देख लो, फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, जो कि है क्या बोलते हैं सिविल लाइन। सिविल लाइन मार्केट हमारे से थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। ये देख लो भाई, ये देख लो, ये ठोक देंगे, ये ऐसे बंदे जाम लगा देते हैं गाइस, और कुछ नहीं है। भाई साहब डोसा खाने के लिए आए हैं, देख लो डोसा खाने लग रहे हैं बस। तो भाई डोसा वगैरह खा गए हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, यहाँ पे आए थे इसके पास दो स्कूल के पास, चलते हैं अपना भाई लेना नहीं, आगे चलते हैं। तो गाइस भाई डोसा खा के मज़ा आ गया। यो खड़ा सावरिया वाला है, चल चल बस कोई नहीं, चल हम पहुंच चुके हैं झंडा चौक मार्केट में। देखो सब्जी, ये देखो भाई 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। ये देखो भाई थोड़ी आराम से चला यार, नॉर्मल इतनी आराम से भी नहीं जा रहा मैं, इंगे को मोड़ ली। तो भाई यार अभी आते आते हैं, एकदम देखा यार पता क्या, एकदम मैंने गाड़ी नहीं रुकवाई, क्योंकि यार कल आपको पता ही है यार, किसी का भाई जिस हिसाब से अंडे गिर ना, मैं सोच रहा हूँ टैग बढ़ गया अंडे नू हरी, और अंडे गिर गिर हम से भाई भाई अंटी इस हिसाब से टैग ना ना नहीं, और हम नहीं चल रहे थे ऐसे हो बिल्कुल भाई, इस गिरने का जो तरीका था कि एकदम कुछ हो गया, अच्छा अच्छा हमने ना गाड़ी इसलिए नहीं रोकी, आजकल आपको पता है हिसाब किताब कितने उल्टे चल रहे हैं। बड़ा गंदा मैटर हो गया था अभी रास्ते में उस गली सी में, पता नहीं कैमरा ऑन था या नहीं, बाकी यहाँ पे वो अंकल उंकल से बात कर रहे थे ना, वहीं का मैटर बता रहा भाई साहब, उसके कुछ हो जाए एकदम दिक्कत हो यार, पैर एक तरह से मुड़ जाता, मुड़ती तो एकदम गिरती, और वही तो हम सोच रहे हैं, और वही वही चीज तो सोच रहे हैं क्योंकि ये देख लो भाई इस हिसाब से चल रहे हैं, बस सारी सड़क ही नहीं के नाम कर दी फोन सुनने वालों की। और भाई रक्षाबंधन का सीजन भी आ गया, अब हम जा रहे हैं भाई साहब लेने के लिए अपना नमकीन बिस्किट वगैरह, तो नमकीन बिस्किट वगैरह लेके चलेंगे हम फास्ट फूड वाले की शॉप पे कार्ट पे एक्चुअली, और वहाँ से लेंगे थोड़ा सा सामान। तो हम पहुँच चुके हैं भाई नमकीन बिस्किट, सिर्फ इनके पास सिर्फ नमकीन बिस्किट ही मिलते हैं, और रस वगैरह मतलब नाश्ते वाली चीज़ें ही मिलती हैं ये अभी शॉप। तो बस आगे नमकीन उचित दाम ले ली भाई हमने नमकीन वगैरह, अब चलते हैं आगे। तो गाइस भाई सारा सामान वगैरह लेने के बाद वापस पहुँच गए हम अपनी गली में। तो भाई स्पोर्ट्स स्प्रिंग रोल लाए चाइनीज वाले के, बड़े टेस्टी से हैं। कोई नहीं, जो यो बैठा यो तो जिम जा रहा एक महीने से, जनवरी के महीने ऑडियंस बताएंगे कमेंट में। सबको देख रहे हैं मैं।
मुझे भी देख रहे हैं भाई, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, साफ सिंपल बात है भाई। मैं बंदे हम फूडी बंदे और ये देखो कांगड़ी पहलवान हम तो करते हैं। टाइटल बताना कैसा है, चूहा देख के डर गए रिश्तेदार। अभी निकलेगा, चलो फिर अंदर तो चलो तुम। और क्या, हमारे दूध तो नहीं है, जा मर्जी पेट साफ कर लो। गाइस भाई खाना वगैरह खा लिया है, तो रात का पकौड़े बने थे ना, आज एकादशी का व्रत था मम्मी का, तो उसके बाद तो इसने खा लिया। आर्यन ने हाँ दो खा गया, दो तीन बंदों की। यार भाई क्या बोलते हैं ना, आप सपोर्ट करोगे ना भाई, उसमें क्या, उससे भी बड़े में जाएंगे। आपका सपोर्टर प्यार होना चाहिए पूरा, ठीक है? क्या हुआ? बंदे कह रहे हैं H2O फन पार्क जाओ, H2O फन जाओ, H2O फन वो थाने छप्पर के पास, थाने छप्पर के पास ही है ना। हाँ भाई चले जाएंगे, पर क्या बोलते हैं ना, वहाँ का प्लान है, पर एक एक बारी में तो नहीं मैं हर जगह जा सकता ना, अमृतसर का भी प्लान है, ठीक है? एक ट्रिप ऑलरेडी सेट है भाई, जो भी भाई कमेंट करता है ना भाई, आपको ना हमारे 10 जुलाई से लेके नॉन स्टॉप व्लॉग देखने होंगे, 14-15 ये नहीं पता कितने तक, क्योंकि पार्ट्स में भी आ सकते हैं और रेगुलर भी, मतलब रूटीन में तो व्लॉग आएगा ही आएगा, पर पार्ट्स में हो सकते हैं, उसका कोई चांस नहीं है, तो वो देखना। एक बहुत बढ़िया ट्रिप आने वाली है, आप पूरा इन्जॉय भी करोगे और आप भी वहाँ पर ज़रूर जाना चाहोगे, ठीक है? तो ट्रिप आ रही है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आ रही है। और उससे पहले मैं सोच रहा हूँ इनकी इनकी यहाँ पे जाके आऊँ, वहाँ पे एक सिद्ध पीठ है ना, पता लग गया, वो लोग देख नहीं रहे क्या बंदे, दो दिन से आए हुए क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, मौसम अपने डैडी को कहिए, कहिए वो लोग देखेंगे, दो दिन से तो डाल रहे, अब तो यो भी वो फायदा है, बंदे वहां गए हुए क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, या नहीं। और भाई वो आंटी का वाला केस जो आता रास्ते में वो तो, हाँ भाई वो केस तो पता नहीं आज क्या ही हो गया, आंटी ना पैर फूट नहीं कुछ होया, मम्मी भाई दे हम जा रहे, बोल नु होई भाई, बंदा चल रहा पैर अटक गया, नु होए एकदम नु गिर गया, बोल नु होड़ी, अरे नहीं तू गिरी, वो एनु गिरी, नु नु हो गया ना, नु गिर के नु पड़ गई, नु अरे नहीं मेरी, अरे मेरी बात तो सुन, मैं तो यही सोच रहा ना, तो वहाँ ढलान थी, वो अंकल कह रहा था, वो अंकल कह रहा ढलान है, वहाँ ढलान थी, कहीं ढलान दिख रही थी तुझे। सो भाई ये लोग खा रहे हैं, यही लोग रह गए थे मम्मी और मासी, बस थोड़ी लाए, ये देखो गाइस आइसक्रीम बटर स्कॉच की मंगाई थी, गाइस सबसे फेवरेट टेस्ट होता है ऑलमोस्ट सभी बंदों का, है ना? आपका क्या है, क्या नाम है इसका? कुर्ता फाड़ पहला फिर एक बार ये वाला गाना, एक बार बस, एक बार भाई नहीं है, एक बार एक बार गाना सुना, बैल गिर गया, बैल गिर गया, ओए एक बार ये वाला गाना सुना दे, ला 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 चिल्लाऊंगा कुत्ता फाड़ के, ओ रूमर रेसलिंग WWE और जा रही है। तो बस भाई आज के व्लॉग की एंडिंग करने जा रहा हूँ, खाना वगैरह खाया, बाहर घूमने गए थे जैसे कि आपने देखा ही होगा, उससे पहले सुबह साइकिल पे कूद गया था, और उसके बाद क्या बोलते हैं फिर आ गया, फिर खाना वगैरह खाया। तो बस गाइस भाई अब इस व्लॉग की मैं एंडिंग करने जा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और नीचे भी है, उस पर क्लिक करना, वो ग्रे हो जाएगा, और ऑल वाले बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, क्योंकि हमारी ट्रिप आने वाली है बहुत जल्दी, उसके एपिसोड आएंगे, और दूसरा चैनल भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, और खाओ पियो फूड ब्लॉग्स पे भी जाके फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, ओके।